गुड इवनिंग देवी और सज्जनों, थेम स्पीक्स के आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थेम स्पीक्स MATV के स्काई 711 पर आने वाला वो कार्यक्रम है जो दुनिया भर से किस्से, कहानियों, किस्सों और अलग अलग सारी बातों को चुनकर आप सबके सामने एक हफ्ते के अंदर परोसने की कोशिश करता है। हमारा मेजर फोकस होता है कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट जो दुनिया और समाज को प्रभावित करता है, पर फिर भी हमारे जिंदगी के अनेक पहलू होते हैं। उन पहलुओं में से कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं बहुत क्लोज होते हैं। उन्हीं पहलुओं को छूने की कोशिश का कार्यक्रम का नाम है थीम स्पीक्स। दुनिया और सभ्यताएं और समाज बहुत परिवर्तनशील है। विचार परिवर्तित होते हैं लोगों के, जिससे समाज परिवर्तित होता है। और हम हमेशा देखते हैं दुनिया के पॉलिटिक्स में और दुनिया के समाज में हमेशा कहीं ना कहीं उथल पुथल एक लंबे दौर तक चलती रहती है, जिसका असर आज नहीं, लोगों ने 50, 100, 200, 500 सालों के बाद उन छोटी छोटी चीज़ों का असर देखा है। यदि हम इन सारे चीज़ों को देखा जाए तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, यदि जर्मनी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है तो बंगाल में कुछ दूसरी चीज़ें हो रही है, तो तीसरी यदि कोरिया में कुछ और चीज़ें हो रही है तो कनाडा के लोगों के मन में कुछ और चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन का जो बम्बार्डमेंट हम सब की तरफ है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन से दूर बैठ कर क्यों ना हम 10 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा इत्मीनान से हम ये सुनने की कोशिश करें कि वाकई में दुनिया में क्या हो रहा है, और जितनी सारी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसे हम निकाल दें, जिसे हम कहते हैं हिंदी में नीर क्षीर विवेकी। मतलब जैसे हंस होता है जो हमेशा क्या करता है कि उसके बारे में कहा जाता था पुराने हिंदी लिटरेचर में कि वो दूध को पानी से अलग कर सकता है, इसलिए उसे कहते हैं नीर क्षीर विवेकी। हम आज के इस कार्यक्रम में ऐसे ही व्यक्ति के साथ हैं जो नीर क्षीर विवेकी हैं। दुनिया जहान को उन्होंने नज़दीकों से देखा है, जिन्होंने अलग अलग पदों पे काम किया है। वो थर्ड जनरेशन के वो बहुत मेहनती मारवाड़ी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बिजनेस बजोरिया ग्रुप को हमेशा लीड किया है। ये वो व्यक्ति हैं जो BJP की कोर कमेटी जो एक्सटर्नल अफेयर्स को देखती हैं उसके मेंबर हैं। इसके अलावा IIM शिलोंग के चेयरमैन हैं। मैं आज के जो हमारे मेहमान हैं श्री शिशिर जी बजोरिया, उनका वेलकम करना चाहता हूँ। श्री शिशिर जी बजोरिया, वेलकम। धन्यवाद जी। टेम स्पीक्स में आपने आज हमें बुलाया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं लंदन के TV में बैठा हूँ और जैसे आपने कहा टेम्स, तो हमारे यहाँ तो एक कहावत है मच वाटर डाउन द टेम्स, तो हम लोग तो उसको वो भी एक मानते हैं, बड़े एक प्रतीक मानते हैं। और मैं बहुत आशावादी हूँ कि आपके दर्शकों को मैं कुछ भारतवर्ष के कुछ बातें बता पाऊं। मैं शिशिर जी जहां तक जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, खित्तों में आपने घूम घूम कर, जैसे कह सकते हैं अलग अलग घाट का पानी पी पी कर आपने वो अनुभव अर्जित कर लिया, लगता है कि लोगों को उसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि इन्फॉर्मेशन बहुत है लोगों के पास, जब आप इंटरनेट खोलते हैं तो करोड़ों इन्फॉर्मेशन है। आजकल लोगों के सामने परेशानी है कि हज़ारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पसंद किया जाए। एक ज़माना था लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज देखा जाए तो इतने सारे ऑप्शन हैं तो परेशानियाँ बढ़ गई हैं। मेरा पहला सवाल, मैं मुद्दे पे आना चाहूँगा, आप BJP की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की कोर कमेटी है उसके मेंबर हैं, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ BJP के एक्टिव कार्यकर्ता और उसके ऑफिस बीरर हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। पिछले 5, 7, 8 सालों में हमने देखा कि इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत सरकार बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव है, भारतीय प्रधानमंत्री बहुत सुपर एक्टिव हैं। आप हमेशा उनकी यात्राओं के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं रहते हैं, या फिर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि साये की तरह साथ रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन यात्राओं पर आप हमेशा पूरी नज़र बनाए रखते हैं। कई दर्शक ऐसे हैं जो ये इस बारे में वाकई में जानने को इच्छुक हैं कि G7 जो दुनिया के लीडिंग ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स का या इंडस्ट्रियलाइज पार्टनर्स का एक ग्रुप है, समूह है, धीरे धीरे भारत का उसके अंदर आगमन कैसा हुआ और धीरे धीरे भारत उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रांग पार्टनर कैसे बनता गया, शायद ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूं दर्शकों के लिए कि हम भाजपा में जो भी हैं, जिस पद में भी हैं, हमारा सबसे बड़ा, सबसे प्रथम और सबसे अंतिम परिचय एक ही है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हम किसी भी पद में बैठे हों मगर हम पहले कार्यकर्ता हैं, और इसी से लेके हम सब चलते हैं। आप आज माननीय मोदी जी से भी पूछेंगे, वो बोलेंगे मैं BJP का कार्यकर्ता, और उससे लेके हम जैसे
एक सामान्य कार्यकर्ताओं का यही एक परिचय है। एकदम शुरुआत में आप आज एक बहुत अहम शब्द का आपने उच्चारण किया, परिवर्तन। मैं बहुत मेरा दृढ़ विश्वास है कि परिवर्तन ही एक स्थायी चीज है। यदि अपने किसी के भी जिंदगी में कोई चीज स्थायी है तो वो है परिवर्तन। यदि परिवर्तन ना हो तो फिर वो शेष हो गया। और यदि आप ये देखें, जब से भाजपा सरकार आया है, मोदी जी ने कमान संभाला 2014, उस दिन से जो जो जिस गति में हमारा देश परिवर्तन लाया है हर जगह में, मैं विदेश पे ज्यादा बोलूंगा मगर हर जगह देश में भी एक छोटा सा समस्या जो छोटा नहीं है। आज हमारा देश ग्रामीण देश है, आपको बहुत अच्छे से पता है, जहां की ग्रामीण प्रधान देश है, ग्रामीण देश नहीं बोलूंगा, ग्राम प्रधान देश है, क्या है कि वहां पर 70% शौचालय जो नहीं। भारतीय हैं वो गांव में सेवेंटी बसते हैं। परसेंट दो 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 तिहाई गांव में बसते हैं। शौचालय का समस्या, क्या ये चीज और कोई प्रधानमंत्री नहीं सोच सकता था? नहीं, ये 2014 में आते के संग मोदी जी ने इसको इसकी घोषणा करी और वास्तव कर दिया। आप ये देखिए, महिलाओं के लिए कितना बड़ा चीज है, उनके उसे हम बोलते हैं उनके सम्मान घर, इज्जत घर। अब मैं आता हूं, ये मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया कि एक चीज से, एक छोटे से बिंदु, छोटा नहीं है, कितना बड़ा चीज है। हम शहरियों के लिए छोटा है, हमको तो शहरियों में तो हमको तो हम समझा भी नहीं पा रहे थे लोगों को कि ये शौचालय का समस्या है क्या। अब हम आते हैं, आपने एक बहुत अहम मुद्दा अभी जो सबसे जिसको मैं बोलूं ताजा है, G7। हाँ, मेरा सौभाग्य कि कोर कमेटी में, भाजपा के विदेश विभाग के कोर कमेटी में होने के कारण हमें वहां जाने का अवसर मिला। 27 तारीख को G7 था, श्लोस एल्मोस में, म्यूनिख से थोड़े दूरी में, और 26 को म्यूनिख शहर में अपने प्रवासी भारतीयों ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया। ये प्रवासी भारतीयों का प्रोग्राम था, ये कोई बीजेपी का प्रोग्राम नहीं था, ये कोई ओएफ बीजेपी का केवल अकेले में प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जितना बड़ा हो, जितने लोग आए, ये नहीं कि हम लोगों को तोड़े, हम लोगों को जितना जोड़ सकें। उसका नतीजा ये हुआ कि एक बास्केटबॉल स्टेडियम हम भर दिए म्यूनिख जर्मनी में। देखिए, लंदन में तो अभी भी रिकॉर्ड तो वेम्बली है, वेम्बली तो सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ है मोदी जी का आज तक। देखिए, आज यूके में जो प्रवासी भारतीयों ऐसा का कहा है कि तादाद है वो शायद तो जर्मनी में नहीं है। वेम्बली स्टेडियम में या तो नेल्सन मंडेला हैं जिन्होंने जिनका एक पब्लिक रिसेप्शन हुआ था। उसके बाद यदि किसी पब्लिक ऑफिस बियर या फॉरेन ऑफिस बियर्स का हुआ तो वो भारतीय प्रधानमंत्री थे। एकदम सही आपने कहा, एकदम सही कहा। बट म्यूनिख में आज हमें एक बास्केटबॉल स्टेडियम लेके लगभग 5,000 से कुछ ज्यादा लोगों से भर दिए। जर्मन समझ उनको नहीं समझ में आ रहा था क्या हो गया आज। अब G7 पे मैं एक बात बोलूं, देखिए G7 में 7 जो देश हैं वो है, जो स्थायी G7 देश हैं वो है US, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। यदि आप G7 देखें तो भारत पांचवें और छठवें स्थान पे है, तो हम स्थायी देश क्यों नहीं है G7 में? वो बोलते हैं कि नहीं साहब, ये हम पर कैपिटा के हिसाब से चलते हैं। भाई सही बात है, आप पर कैपिटा चलते हैं तो जरूर चलिए। अब यदि पर कैपिटा चले तो एनवायरमेंट में आप पर कैपिटा नहीं जाएंगे, एनवायरमेंट में आप बोलेंगे टोटल, और इसमें बोलेंगे पर कैपिटा। हम तो बोलते हैं कि साहब पर कैपिटा का भी हिसाब लगा लो तो क्रय शक्ति के हिसाब से लगाओ, जो अपने मुद्रा की क्रय शक्ति, जिसको परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। नहीं तो वहां भी नहीं, चलिए वो कोई बात नहीं है। मगर एक बात हुआ कि अब G7 में अतिथि देश रहते हैं चार पांच, तीन चार पांच, वो डिपेंड करता है। तो भारत अब स्थायी अतिथि देश हो गया, कि इसका मतलब अब ये दूसरे तरफ से बोल रहे हैं कि G7 नहीं, अब ये G8 हो गया, मगर वो बोलना नहीं चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं है, उसमें एक चीज, एक फोटो ने 1,000 बात बता दिया, केवल एक फोटो।
जब फोटो ऑफ हुआ 12 देशों का, मतलब 7 साई और 5 अतिथि, 5 अतिथि कौन थे, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, भारत, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना। तो जब 12 देशों के प्रधानों का, हाँ, और उसमें ईयू के दो प्रतिनिधि हमेशा आते हैं, ईयू कमीशन और ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट्स। तो जब फोटो ऑफ हुआ तो क्या देखा गया कि कनाडा के प्रधानमंत्री मोदी जी, वो किस जगह खड़े होंगे वो ढूंढ के ले जा रहे हैं मोदी जी को, कनाडा के प्रधानमंत्री, और पीछे से खोजते हुए आ रहे हैं बाइडेन साहब, अमेरिका के प्रेसिडेंट, मोदी जी को खोजते हुए आ रहे हैं, उनके पीठ पे टैप किया कि माने हेलो। फिर एकदम से दृश्य बदलता है, मित्रों, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट ये आके गले लग गए, हाँ गले लग गए। फिर जर्मन चांसलर आ गए, माने जैसे कि मधुमक्खी मोदी जी हैं, और चारों तरफ सब आ गए। इससे क्या दिखा कि एक मोदी जी ने अपना जो वर्चस्व बनाया है, अपना वर्चस्व मतलब अपने देश का जो बनाया है, वो सबके सामने, जो विश्व के एकदम महान शक्तियां वहां खड़ी हैं, उस सबके सब मोदी जी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के चारों तरफ घूम रहे हैं, गर्व से सीना फूल गया। मैं इस पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, नेक्स्ट हम जाएं उससे पहले ही, जब आपने जस्टिन ट्रूडो की बात की तो मुझे जस्टिन ट्रूडो की एक पुरानी भारत की यात्रा के कुछ संस्मरण मेरे दिमाग में, उनके सीन दौड़ गए। फिर मुझे एक कविता की दो लाइनें याद आ गई, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जाने जो विषहीन विनीत दंतहीन और सरल हो। मतलब शक्ति की हमेशा पूजा रही है, जो समाज, जो देश या जो राष्ट्र जितना ज़्यादा सशक्त, समर्थ और स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि लोग उसकी सत्ता के समक्ष सिर झुकाते हैं। हाँ, एकदम सही, एकदम सही। और आज जो वहां, माने सही माने में जो देखा गया, और सबके मुख पे एक ही कि इस विषय पे भारत का क्या स्टैंड है, मोदी जी का क्या स्टैंड है, ये दिखाता है कि हम कहां से कहां पहुंचे। और एक तो हमारे आर्थिक स्थिति के कारण, और एक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपना एक है, वो सबको ही पहचानते हैं उसको, और वो मैं बोलूंगा सबसे बड़ा है उनका अपना आत्मविश्वास, कि वो इससे हर भारतीय को गर्व महसूस होता है। क्योंकि आज हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, हम कहां से कहां पहुंच गए। सो ये जो G7 की जो यात्रा के बारे में बात कर रहे थे, पर ये शायद 2019 में ब्राजील ने इंडिया को फर्स्ट टाइम शायद G7 का एज ए अतिथि मेंबर बनाया, और अभी 2022 में ऐसा लगता है कि उन्होंने उसे परमानेंट अतिथि मेंबर बना लिया। किन किन टॉपिक्स पे चर्चाएं हुई जहां ऐसा लगा कि भारत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? मैंने जो मेनली जो दो तीन चीज़ें सुनी उनमें से एक थी कि इंडिया का बहुत बड़ा एम्फेसिस था क्लीन एनर्जी पर, और दूसरा इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन साइन किया है, हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम क्लीन एनर्जी और भारत का क्या रोल था उस पर चर्चा कर सकते हैं। पर्यावरण, एनवायरमेंट सबसे बड़ा विषय था, जिसमें कि जो मीटिंग में अपने संग प्रधानमंत्री जी के संग बहुत इसको लेकर चर्चा हुआ। इसमें मैं थोड़ा सा लोगों का अजरा, अभी आप पहले बोले ना कि अभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड का युग है, तो इतना इंफॉर्मेशन आता है कि आदमी उसी में खो जाता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन देखें। और मेरे ख्याल से कोई भी आपके पास तथ्य आता है, उसका उसकी आयु, यूज बाय डेट घंटों में खत्म हो जाता है। जब पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुआ पर्यावरण का, तो सब लोग वहां पर बहुत वादे किए, बड़े बड़े वादे किए, भारत ने भी वादा किया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले ग्लासगो में हुआ COP26, एक देश, केवल एक देश
जो उस बोलने के स्थिति में था कि पेरिस में जो हमने कहा वो सो किया, वो देश था भारत। बाद बाकी कोई देश ने पेरिस का नामो निशान नहीं लिया, कोई बोला ही नहीं। और COP26 में ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी और हमारे पर्यावरण मंत्री जी भूपेंद्र जी, जब उन्होंने अपना समापन भाषण दिया, तो हम साफ रखे कि हम आज से क्या क्या करें और क्या करेंगे, उसको लेके काफी आलोचनाएं हुई कि सब हम लोग तो चाहते हैं कि 2050 में ये सब हो जाएगा, मगर इंडिया बोलता है 2070। सब बहुत सही है, हम जो कर सकते हैं वो हम वादा करते हैं, और जो वादा करते हैं वो उतारते हैं, हम वो निभाते हैं। अब जहां तक एनवायरनमेंट का है, आज की तारीख में बहुत जोर से चल रहा है अपने देश में क्लीन एनर्जी, मगर ये फैक्ट है कि आज रातों रात हम नहीं बदल सकते, रातों रात कोई देश नहीं बदल सकता है। देखिए पर्यावरण का ये हाल क्यों हुआ, जब हर विकसित देश जो आज विकसित हुए, कुछ दशक पहले तो विकसित नहीं थे ना, तो जब वो विकास की ओर बढ़ रहे थे तो काफी कुछ किए जो कि पर्यावरण जैसे क्षति हुई। आज हम उस जगह में है, भारतवर्ष उस जगह में है कि हम एक तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, मगर हम बार बार बोल रहे हैं कि साहब हम आप जैसे आगे बढ़े थे, आप सब कुछ भूल के आगे बढ़े थे, हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मगर आप यदि ये बोले कि नहीं आप सब भूल जाओ, आप पिछड़े ही रह जाओ, तब हमारे लोग पिछड़े तो नहीं रहेंगे ना, तो उसको हम बैलेंस कर रहे हैं। देखिए एक कुछ यहाँ पे आप बोले तो विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच में ये हमेशा रहेगा, मगर हमारे देश का सौभाग्य है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो एक स्टैंड ले सकते हैं और वो स्टैंड लोग मानते हैं। अंत में शायद मैं यहाँ पे दर्शकों के लिए एक ऐड करना चाहूंगा, विकासशील देशों और विकसित देशों में जो संघर्ष का जो सबसे बड़ा कारण है कि किस कौन सा देश सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन एमिशन करता है। सो विकासशील देशों का एक तर्क है कि जो चीज़ें हम बनाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन अब विकासशील देशों में शिफ्ट हो गया, तो जो चीज़ें हम बनाते हैं वो ज़्यादातर चीज़ें विकसित देशों को जाती है, तो जो कार्बन एमिशन है हमारा वो एक्चुअल में हमारा नहीं, वो कार्बन एमिशन एक्चुअल में विकसित देशों का है, सिर्फ हम एक फैक्ट्री की जगह है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, यदि चाइना, इंडिया या वियतनाम, बांग्लादेश, यदि आप इन कंट्रीज़ को देखेंगे जो पूरी दुनिया का एक तरह से प्रोडक्शन हाउस है, उनका कार्बन एमिशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उन्हें 100 मोबाइल की जगह 1,00,000 मोबाइल इसलिए बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि बाकी जो 99% मोबाइल फ़ोन्स हैं वो अब्रॉड जा रहे हैं। सो जो कार्बन एमिशन है वो उनके सर पर नहीं मथा जा सकता, ये शायद इनके बीच संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है। आपने बहुत बहुत सही है इसका उल्लेख किया, इसका भोग तो कर रहे हैं विकसित देश, हाँ हम इसका उत्पादन कर रहे हैं, तो वो उत्पादन करने के समय में तो जो कार्बन एमिशन है वो हमारे सर आ जाता है। क्या इनको यह बात पता नहीं है? बहुत अच्छे से पता है, मगर यदि देखिए ऐसा है, यदि आप सत्य से मुंह मोड़ना चाहो तो आप मुंह मोड़ सकते हो, सत्य आपको नहीं छोड़ेगा, सत्य तो आपके पीछे खड़ा है। आज के दिन जो ये कार्बन एमिशन की स्थिति हो रखी है, क्योंकि मैं लंदन में हूं इसलिए मैं आपको एक उदाहरण दूं, आप यदि यहां से प्लेन पकड़ के अभी अपने देश की ओर जाएं तो आप हरगिज आपका फ्लाइट यात्रा के दौरान एल्प्स के ऊपर से जाएगा, यदि मौसम साफ हो तो झांक के देखिए आपको सफेद नहीं दिखेगा, आपको बर्फ नहीं दिखेगा। मैं जब पहले बार इस देश में आया था तो जब प्लेन जाता था क्या दृश्य होता था, पूरा सफेद चादर बिछा है क्योंकि एल्प्स था। आज के दिन नहीं दिखता है, ये क्यों? कार्बन एमिशन। बताइए हम यहां पर आके कार्बन एमिशन हम यहां कर दिए क्या? तो ये जो आप बोले हैं ना, ये भी एक बहुत ही अहम उदाहरण आप दिए हैं नरेंद्र जी, कि
उसका भोग कोई कर रहा है और सर किसी के माड़े जा रहा है। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, G7 के अलावा दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, कहते हैं कि मतलब दुनिया में झंझावात संघर्ष हमेशा चलते हैं। मैं जब लोगों से बातें करता हूं तो लोग नेगेटिव होते हैं तो हमेशा कुछ बातें कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि दुनिया में अब संघर्ष ज़्यादा हो गया। मैं उन्हें कहता हूं कि ये तो हमेशा से चलता आया और आगे भी चलता रहेगा, कोई ऐसा दौर या दशक नहीं आया जब दुनिया में हमेशा अमन चैन शांति रही है। सो वो है आज का जो सबसे बड़ा पूरी दुनिया में जो फोकल पॉइंट है वो है रशिया और यूक्रेन के वॉर का, उसका इंडिया पे और बाकी कंट्रीज़ में बहुत बड़ा असर पड़ा है, लोगों की प्राइसेस पे असर पड़ा है और जियोपॉलिटिक्स में कह सकते हैं कि दुनिया में वाकई में गुट स्ट्रांगली बनना शुरू हो गए इस रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। भारत कैसे, हमेशा भारत की पॉलिसी रही है निर्गुट में उन्होंने बिलीव किया है, फिर भी भारत ने कैसे अलग अलग फैक्शंस को मैनेज किया और बैलेंस करके अपने रास्ते चल रहे हैं। देखिए, ये जो यूक्रेन और रशिया में अभी जो संघर्ष चल रहा है, इसको लेके भारत पे वो दबाव बहुत आया, सबको पता है। सबसे पहले ये संघर्ष आरंभ होने के पहले भी जब संयुक्त राष्ट्र में, जब यूएन में इस पे वोट हुआ, तो पहले वोट में भारत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बिंदु बिंदु करके ये बोला कि हमारा क्या स्टैंड है और हम आज क्यों नहीं वोट दे रहे हैं। देखिए, एक तो है किसी जगह में, किसी भी संसद में या यूएन में वोट जब होता है तो पक्ष का वोट होता है, विपक्ष का वोट होता है और हम एब्सटेन करते हैं, हम वोट नहीं देते हैं। भारत ने वोट पक्ष में नहीं दिया और विपक्ष में भी नहीं दिया और समझाया, एक बाकायदा एक नोट इश्यू करके समझाया, एक विज्ञप्ति जारी करके समझाया कि हम क्यों ये स्टैंड ले रहे हैं और हम वोट नहीं, हम एब्सटेन कर रहे हैं, हम किसी के एक पक्ष में नहीं जा रहे हैं। इसको लेके हाहाकार मच गया कि सब ये क्या हो गया, इंडिया क्या कर लिया। इस ऐसे करके चार वोट हुए, चारों बार हमने अपना पक्ष रखा और बहुत स्पष्ट शब्दों में रखा और विज्ञप्ति दी और चारों बार हम एब्सटेन किए। देखिए, उस समय जब फिर युद्ध चालू हो गया, बमबारी चालू हो गया, गोला बारूद चालू हो गया, हमारा उस वक्त बहुत ही साफ एक ही, हम जिसको बोलते हैं, अर्जुन ने जब चला रहे थे तो वो चिड़िया का आंख ही उनका एक लक्ष्य था और उनको कुछ नहीं दिखता था पूरे ब्रह्मांड में। हमारा एक ही लक्ष्य था, प्रधानमंत्री जी ने एक ही मूल मंत्र दिया था, 21,000 भारतीय जो हैं, लगभग 21,000 मूलतः वो विद्यार्थी हैं, मतलब युवा युवती हैं, उनको पहले स्वदेश लाना है, हमें उनको सुरक्षित स्वदेश लाना है और उसके अलावा हम कुछ नहीं देखें। इंडिया ने इस ढंग का तो बहुत पहले कई दफे इवैक्यूएशंस किए हैं, मगर ये उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में शब्द एक्टिव वॉर जोन से हम लाए हैं, जाकि पहले विमान के बाद एयर स्पेस बंद हो गया, उनको दूसरे मुल्कों में ले जाना पड़ा। 21,000 के लगभग हमारे देशवासी युवा युवतियां लौटी। हमारा दुर्भाग्य एक ही है कि उनमें से एक बच्चा वो जीवित नहीं लौटा। क्यों नहीं लौटा? वो अपने दोस्तों के लिए खाना खरीदने गया, जैसे बोलते हैं उस बम पे उसी का नाम लिखा था, वो दोस्तों के लिए खरीदने गया, वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। हम लोग के लिए वो भी बहुत बड़ा, 21,000 लौटे, मगर यदि एक नहीं लौटा ना, तो उस माँ बाप के लिए तो पूरा दुनिया नहीं लौटा। सही बात। उसके बाद जब ये हो गया तब हम ये देखे कि हाँ, इसमें एक बात बोलना पड़ेगा, प्रवासी भारतीयों का जो रोल था उसको तो, उसके हम कितना भी बड़ाई कर दे तो कम है। आप ये सोचिए, इतने बड़े तादाद में बच्चे चार देशों में जा रहे थे, वहां पे एवरेज एक एक बच्चा दो से तीन दिन रुक रहा है, उसका तीन वक्त का खाना, कुछ दवाइयां, उसका रहना, एक समय किसी एक दिन में 2,500 से 3,000 बच्चे एक एक जगह में, ये सबका देखभाल प्रवासी भारतीयों ने किया, खुद सामने आके किया।
हमारे पास कई देशों के कॉन्सुलेट आए कलकत्ते में, हमसे बात किए, बोले कैसे हो रहा है, सब इसमें सबकी भारतीयता जागी और सब सामने आए, इसमें आप जैसों को मैंने मानना पड़ेगा, साधुवाद देना पड़ेगा। तो ये जब होके हो गया, इसके बाद भी हम हमारे देश हमारे प्रधानमंत्री जी अपना जो स्टैंड जिसको बोलते ना कैलिब्रेट करते हुए गए। अच्छा फिर आया कि साहब आप तेल नहीं खरीद सकते हो। हम अरे साहब हमारे पास समय बहुत कम है ब्रेक के लिए, हम ब्रेक के बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे प्रभावित किया, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिएगा और ब्रेक के बाद मिलते हैं वापस थीम स्पीक्स के इस कार्यक्रम में। Full of nothing? Make it something delicious with Hellmann's. Make taste, not waste. Smart people know a great deal when they see one. And there it is. Feel free to give it a read. You don't need me to read it for you. You certainly don't want to miss this deal. I used to have a friend who had a fear of missing out on things. FOMO, it's called. I used to suffer from arrhythmophobia, fear of numbers. But, you know, I'm over it now, so. Oh, yeah! Get great value fibre broadband from just $22.99 a month for 18 months. That'll do. Search PlusNet Fibre now. Offer ends 6th of July. Oi, Rita! It's time to face the music and make tax digital! I don't trust tech. Fear not! QuickBooks customer support gets you real help from a real human! Real humans? I like those. This is Pippa, and Pippa's Discovery Scooter by Middleton's. It folds in under 20 seconds, is compact, making it easy to store at home. At under 20 kilos, it's lightweight and portable, so it fits into most car boots. It's ideal for travel and holidays, and it's available in three fabulous colours, which is why it's one of our best-selling folding scooters. The Discovery Scooter, designed in Great Britain by Middleton's. Go on, Pippa, live life without limits. Here's some refreshing news. The EE Summer Sale is here. Save a cool £528 on the epic Samsung Galaxy S22 when you trade in your old device. And it's on the UK's best network. Cherry on top, why not get 3 months free on the Samsung Galaxy Watch 4? Now that's refreshing. That's more bang for your buck. Save £528 on the epic Samsung Galaxy S22. But hurry, offer ends 30th of June. Want to buy your next car your way? At CarStore, you can search thousands of cars online. Or pay us a visit. Chat to an advisor face to face. Or talk to us online or by phone. You can buy online or in person. Then simply drive it away. Or let us deliver it to your door. Welcome to car buying that revolves around you. Welcome to CarStore. Enter the Omaze Million Pound House Draw Cornwall by this Sunday at omaze.co.uk and you could also win £125,000. Because we love our dogs, we should reward them with delicious food to help them thrive. Bella and Duke has worked with vets to develop a range that's 100% natural. First, you tell us about your dog online, then we'll recommend a food, all made from at least 80% fresh raw meat with added berries and vegetables. Finally, it's delivered frozen to your door. It's not just our natural raw food that's good for your dog. When you subscribe, you also have 24/7 access to our vet helpline, offering you free expert advice when you need it. Show your dog just how much you love them. Visit bellaanddukecom/TV and receive up to 50% off your first box. Bella and Duke. This is Kath. She's a real WW member. Kath knows for weight loss that lasts, you need a plan that's all about you, what you love and what you don't. Because food science shows when your plan is built for you, it's so much easier to stick to. So you can keep on living your life.
Get your unique plan today at www.com and love how good healthy feels. Start today. This is Kat. If she pops her clogs, her family gets a cash payout. Dead happy. Life insurance redesigned. Apply now and get 2 months free. देवी और सज्जनों, थीम स्पीक्स के आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे G7 इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स, यूक्रेन और रशिया, इंडिया का स्टैंड और बहुत सारी वो चीज़ें जो हमने हज़ारों न्यूज़पेपर्स में, करोड़ों वेबसाइट्स में और अरबों खरबों ट्वीट्स में कहीं ना कहीं देखी है, सुनी होंगी और हमें हमेशा ऐसा लगा कि एक अधूरी जानकारी है। तो आज हमारे जो नीर क्षीर विवेकी अतिथि हमारे साथ हैं, श्री शिशिर जी भजौरिया, जो दुनिया के अलग अलग देशों में जिन्होंने यात्राएं की हैं और दुनिया को बहुत नज़दीकी से देखा है। हम उनसे इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। अब हमारे पास चर्चा का जो नेक्स्ट पार्ट जो बच गया जो ब्रेक से पहले, ये था कि जो तेल का खेल है, मतलब दुनिया में इंडिया एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है ऑयल का, क्योंकि नेचुरल रिजर्व्स इंडिया के अंदर कम है, वो मिडल ईस्ट या कहीं और कंट्री से लेता है। सो वो इश्यू कैसा हुआ, इंडिया ने उसे कैसे डील किया, उसी पर चर्चा जारी रखते हैं। जब ये यूक्रेन रशिया का आरंभ हुआ विद्रोह, तो चारों तरफ से ये हुआ कि भाई रशिया से तेल कोई नहीं खरीदेगा और इंडिया तुम तो पहले बिल्कुल नहीं खरीद सकते हो। साहब ऐसा है, जो देश दुनिया में निर्यात में द्वितीय स्थान पे है, यदि आप उससे नहीं खरीदोगे तो जाओगे कहां। देखो ये वास्तव है, आप बोलोगे कि उत्पादन बढ़ा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, अरे कितने दिन लगेंगे उत्पादन। कोई एक स्विच है क्या कि जैसे आप बिजली का स्विच चला दिया और रोशनी हो गया। बहुत साफ था, भारत ने अपना साफ स्टैंड किया कि देखो साहब हमें अपने देश के लिए जो चीज चाहिए वो हम खरीदेंगे। एक बार अपने विदेश मंत्री को यूरोप में कुछ लोग पकड़े, बोलो मैंने और नेताएं कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। उन्होंने एकदम साफ शब्दों में एक जवाब दिया कि आप हमको बोल रहे हो आप जो एक दोपहर में जितना तेल खरीदते हो रशिया से वो हम पूरे महीने में खरीदते हैं। दूसरा, हमें रशिया से डिस्काउंट मिल रहा है तो हम अपने लोगों के लिए हम ये क्यों नहीं लेंगे, हम क्यों इसको छोड़ेंगे। अच्छा आप तो बल्कि जब से ये युद्ध चालू हुआ है आपका तो उनसे खरीदी बढ़ गया है, आप तो कम नहीं कर पा रहे हो, आप तो बढ़ा रहे हो और आप हमको बोल रहे हो। एक छोटा सा जी हरेंद्र जी, आज ये बोलना ही होगा दर्शकों को, अभी जब मैं अभी आपके प्रोग्राम अभी एक घंटे पहले मैं एक उबर में आ रहा था, इत्तेफाक से जो चालक था वो पाकिस्तानी था, वो हमसे बात करने लगा और वो हमें साफ शब्दों में बोला साहब हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमें अमेरिका धमका के बैठा दिया, आपको तो नहीं रोक पाता है। मैं दंग रह गया, मैं पूछा भैया कहां से हो, तो बोला मैं पंजाब प्रोविंस का हूं। उसका यही शब्द था कि साहब हमको ये नहीं समझ में आता है, हमको तो अमेरिका धमका के बैठा दिया, आपको क्यों नहीं रोक पाता है। आज जो ये तेल का चीज है, आप ये सोचिए आज हम हमारे अपने लोगों के लिए, आज पूरे देश में मुद्रास्फीति है, ये तो होना ही है, महामारी के बाद मुद्रास्फीति आना किसी आप अर्थशास्त्री से पूछिएगा वो बोलेगा, और किसी युद्ध के बाद मुद्रास्फीति वो भी है। अब के तो ऐसा हुआ है, ये शायद इतिहास में कभी नहीं देखा गया है, प्राय 100-150-200 साल में एक न एक महामारी आ जाता है, मगर ये कभी नहीं हुआ है कि महामारी के संग लगा लगा लगुआ आ गया युद्ध। इसको बोलते हैं करेले पे नीम चढ़ना, या कोर्ट में भी खास। तो आज आप, हाँ जी बिल्कुल, कि आज जो विकसित देश जिस जहां पर मुद्रास्फीति आधे परसेंट और 1% के बीच में खेलता था, वहां पे आप आज देख रहे हो 8%। हमारे यहां तो 5.5-6 रहता था, हम 8 में पहुंचे हैं 5.5-6 से।
विकसित देश आधे और 1% से एक छलांग में पहुंच गए 8. तो आज उसके बीच में हम बोले कि नहीं साहब, ये युद्ध हमारा तो है नहीं, मगर फिर भी हम इसमें कूदेंगे. तो देखिए, आज एक चीज बहुत साफ है कि भारत सरकार, मोदी जी का सरकार, सबसे सर्वप्रथम रखता है कि भारतीयों के लिए सबसे उपयोगी क्या है, और उसके संग में यह भी ध्यान रखता है कि उसका विश्व पे क्या असर पड़ रहा है. ये नहीं कि हम एक देश बन गए, बिल्कुल नहीं. हम अभी भी हमेशा जो हमारा, हम ये हमेशा मानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, हम उसमें विश्वास करते हैं, हम उसको हर पल में बोलते हैं, क्योंकि पूरा वसुदेव ही हमारा कुटुंब है. ये था तेल का खेल. मुझे लगता है कि ये दो ही ऐसे ज्वलंत विषय थे जो शायद दुनिया और जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं. इनके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, पर उन बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करूँ उससे पहले, क्योंकि आप बीजेपी के प्रोमिनेंट मेंबर हैं, उनकी फॉरेन अफेयर्स की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं. सो जो लोग NRI हैं या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन, उनके मन में भी कई भारतीय राजनीति को लेकर सवाल आते हैं. तो सबसे पहला सवाल मैं जैसे कह सकता हूं कि जो आज की हेडलाइन है, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, और आपको क्या लगता है कि क्या इसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी, या ये एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया थी जो तुरंत या त्वरित गति से हो गई, इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे? एकदम सही आपने कहा, ये पहले ही लिखी जा चुकी थी. कब लिखी जा चुकी थी? जिस दिन पिछला चुनाव हुआ महाराष्ट्र के विधानसभा में. आज आप जब भारत का चिन्ह देखेंगे, उसमें लिखा है ना सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है. मैं ये क्यों बोलता हूं, याद कीजिए दर्शक, आप याद कीजिए. क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, जब चुनाव हुआ तो दो पार्टी गठजोड़ बना के, जो कि उस चुनाव के लिए केवल गठजोड़ नहीं बनाए, वो सदियों का गठजोड़ था, वो था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना. ये हमेशा गठजोड़ के में रहे हैं, हमेशा एक संग चुनाव लड़े, एक घोषणा पत्र के आधार पर लड़े. सब दोनों के सिंबल अलग अलग थे, चुनाव चिन्ह अलग थे, मगर एक संग हमेशा लड़ते थे, इस बार भी लड़े. जनता ने जनादेश किस आधार पर दिया कि ये दो पार्टी एक है? जनादेश उस आधार पर था, और उस आधार पर सरकार भाजपा और शिवसेना की बन रही थी. मगर अभी किसी शिवसेना के नेता के मन में पुत्र मोह जाग जाए कि नहीं वही मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो पुराना चीज हम भूल जाएं, और उसमें कोई किसी ने उनको लोभ दिखाया कि आ जाओ हमारे तरफ, तो सत्य नहीं था ना. आपने तो पूरे महाराष्ट्र के जनता के संग धोखा किया. जनता ने जो आप भी जितने सीट जीते, वो आप जीते, आपको वो जनादेश मिला क्योंकि आप भाजपा के संग थे. और वो अच्छे, चलो आप बना लिया क्योंकि गणित में बन सकता है, और अपने संविधान में चुनाव के पहले या चुनाव के बाद गठजोड़ बनाए तो उसका कोई फर्क नहीं है. आप चुनाव के बाद भी गठजोड़ बना सकते हो, आप बदल सकते हो. तो सही है, जैसे अपने क्रिकेट खेलते हैं तो जो रूल बुक है वो रूल बुक के हिसाब से होगा, अंपायर तो आपको आउट या नॉट आउट उसके हिसाब से देगा. तो सब वो हो गया, मगर वो तो कभी स्थायी रह नहीं सकता है. अरे जो चीज अपने आप में मूलभूत स्थायी नहीं, वो कैसे रहेगा? कुछ साल लगा, कुछ वक्त लगा, वो गिर गया. अच्छा, अब आज आप देखिए कहां रहे हमारे इतने बड़े नेता शिवसेना के, उनके परिवार वाले. अभी कुछ ही घंटे पहले तो वहां शपथ ग्रहण हो गया है. अच्छा, फिर ये हुआ कि साहब शिवसेना, ये शिंदे जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो भाजपा कहाँ जाएगा? ये तो बहुत सही है. हमारे यहाँ ये कैसे होगा कि जो मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति वो उप मुख्यमंत्री कैसे होगा? पार्टी का आदेश है, लोगों के लिए जो सही है वो सब होगा. यहाँ पर जो यहाँ किसी एक व्यक्ति मात्र का फैसला नहीं होता है, यहाँ पर पार्टी का फैसला है, हो गया. और महाराष्ट्र के लिए जो सही होगा वो होगा. और मैं फिर बोलता हूं, ये जो आज हुआ है, ये सत्य तो उसी दिन लिख गया था जिस दिन
शिवसेना ने यह गठजोड़ तोड़ा था, क्योंकि लोगों का जनादेश वो नहीं था, लोगों का जनादेश था भाजपा शिवसेना सरकार। इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, आपको क्या लगता है कि उससे उस स्टेट की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, या एज ए बीजेपी कार्यकर्ता आपको क्या लगता है? देखिए साहब, ऐसा है कि जो हुआ है प्रदेश के लिए अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ दिन तो काफी अस्त व्यस्त रहा है, ये रातों रात तो हुआ नहीं है, ये तो काफी दिन से, जो घाव जब फटता है ना तो पकता है, तो जब घाव पकने के कागार में होता है तो शरीर में तो पीड़ा होती है, तो पूरे प्रदेश में पीड़ा थी। अब हमारा तो एक ही है कि ये जो अब ये सरकार आए हैं, अब इस विधानसभा का जो कार्यकाल बचा है उसमें ये सरकार लोगों के लिए काम करे, और भाजपा है बड़े रूप से है, सही माने में देखे तो बड़ा भाई तो अभी भी भाजपा ही है। मतलब एक जमाना था जब दोनों की युति इस तरह से चला करती थी कि दोनों बराबर के साथ जोड़ीदार थे, पर मुझे लगता है कि फिर भी इन कुछ वर्षों में जो चीज़ें घटित हुई है, इसके डेफिनेटली कह सकते हैं कि राइट विंग की पॉलिटिक्स या हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे, और स्पेशली महाराष्ट्र जैसा देश, महाराष्ट्र जैसा राज्य, उस पर शायद उसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन मैं महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहूँगा, आपके जो दो परिचय हैं उनमें से एक परिचय यह भी है कि बंगाल की राजनीति की जड़ों को आपने हमेशा से समझा है। आपको क्या लगता है कि बंगाल की राजनीति में बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया, और ऐसा क्या हुआ सडनली पिछले चुनाव में कि बंगाल में बीजेपी उन सारी आशाओं को, आकांक्षाओं तक पहुंच नहीं पाई, या कह सकते हैं कि जो नेशनल मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया में जो परसेप्शन क्रिएट हुआ उसके ठीक विपरीत बीजेपी ने परफॉर्म किया, ऐसे उसके क्या कारण हो सकते हैं? बड़ा ये जो सवाल है, ये बार बार ये सवाल उठ के आता है कि और लोग बोलते हैं कि बीजेपी हार गया। अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी है तृणमूल, वो बार बार हर भाषण में, उनके हर भाषण में बोलते हैं हमने बीजेपी को हरा दिया। मैं एक ही चीज वहां पर भी पार्टी का प्रवक्ता होने का हमें एक गर्व है, अवसर मिलता है। मैं तो कई दफे टीवी में पूछा हूं हमारे तृणमूल के प्रवक्ताओं को कि भाई मेरे, सत्तारूढ़ तुम थे, सत्तारूढ़ तुम हो, तो हम कहां से हार गए मेरे भाई, हम तो सत्ता में थे ही नहीं, तुम ही थे और तुम ही हो। पर फिर भी तुमको यदि ये बोल, एक समय ऐसा मैं बोल रहा हूं हाँ 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 कि एक मैं बोल रहा हूं कि आज इसमें तुम ये बोल के खुश हो रहे हो कि तुमने हमें हरा दिया, क्योंकि वास्तव में तो यह है कि जिस विधायिका में हम तीन प्रतिनिधि थे, हम एक छलांग में 77 हुए। अब वो तुम कैसे वो मान लो, यदि तुम तीन और 77 बोलो, जो जो पार्टी वहां पर पूरे बंगाल में इस पार्टी का परिचय था 6% की पार्टी, 42% वोट टच करके विधानसभा के वोट में 38% वोट आया हमारे, किसी भी प्रदेश में हमारी सरकार बन जाती, और 3 से 77 होना, अब वो बेचारा कैसे पचेगा। जहां तक लोगों के बीच में जो हुआ, ये बात एकदम सही है कि सबके यही विश्वास था कि अब की तो भाजपा सरकार आ ही रही। इसका मतलब, इसका एक और मतलब है कि एक बड़े वर्ग में ये हो गया था लोगों में कि साहब हमको अब ये तृणमूल सरकार नहीं चाहिए, हमको भाजपा सरकार ही चाहिए। तो इसलिए लोगों के मन में हो गया कि यही आ रहा है। देखिए हरिदी जी, मैं भी उसमें एक कार्यकर्ता था, मैं भी चुनावी समिति में था, तो हम सब जब युद्ध में एक योद्धा जाता है तो वो तो युद्ध जीतने के लिए जाता है ना, चाहे कितना ही कठिन युद्ध हो। देखिए कोई ऐसा योद्धा नहीं होगा कि वो युद्ध में जाता है और ये मान के कि हम नहीं जीतेंगे, चाहे हम कितने ही पीछे हों। 3 से 148 आना बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ा छलांग, बट हम युद्ध में हैं, हम सबको मान के गए थे कि हम जीतेंगे, यदि हम उस जुनून से नहीं जाए तो हम तो 77 भी हम नहीं आते। तो ये जो हुआ ये बहुत बड़ा छलांग हुआ। और मैं आपको
आज आपके चैनल में एक चीज बोल के जाता हूं कि अगला चुनाव है 2026। अगला चुनाव में सब दर्शक भाजपा समर्थक ना हो, मगर हम ये बोल के जाते हैं कि अगला सरकार भाजपा का ही होगा बंगाल में, क्योंकि लोग वहां पे समझ गए हैं कि भाजपा क्या है। और ये जो बंगाल में हुआ, देखिए दुर्भाग्य ये है कि इस चुनाव के बाद नरसंहार हुआ। वोट मतगणना के बाद 45 दिन में 53 हमारे कार्यकर्ताओं की को मौत की घाटी उतार दिया गया, 53 45 दिन में। और अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, और वो हमेशा हर चीज में की, तो इनका ये भाजपा वाले आपस में मार रहे हैं या घरेलू झगड़ा है। मैं तो कई दफे टीवी में ये भी बोला हूं, साहब जो भी मार रहा हो, यदि एक आदमी की मौत हुई है तो हिंसा हुआ है ना, क्राइम हुआ है, तो पुलिस का तो काम है पार्टी नहीं देखना, पुलिस का तो काम है कि घरेलू झगड़ा भी नहीं देखना। यदि घरेलू झगड़ा भी है तो जो कातिल है उसको पकड़ो ना। आपको आपके किस कानून में लिखा है कि घरेलू झगड़ा है तो हम नहीं पकड़ेंगे? देखिए तृणमूल को पता है कि अब वो बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको ये दिखने लगा है कि जनता का समर्थन अब उनसे हट रहा है। और वहां जो हुआ, हाँ, जब चुनाव का फैसला आ गया तो हम जनादेश को हमेशा सर माथे लेते हैं, मगर वो जीते हैं, उनका एकलौता सरकार बना है, मगर उस जीत में भी हमारी मुख्यमंत्री महोदया, जिसको अपने लोग स्कूल में बोलते थे ना कंपार्टमेंटल हो गई, क्योंकि मेन एग्जाम में तो फेल कर गई, फिर कंपार्टमेंटल दे के पास होना हो। मैं ये मानता हूँ एक चीज, और अपना क्षेत्र बदलना पड़ा, हाँ, और उन्हें कहीं और से लड़ना पड़ा और जीतना पड़ा। पर मैं इसमें एक मेरा एक सवाल और है, ऐसा आरोप नेशनल इंटरनेशनल हर जगह मीडिया में लगता आया कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की जान को बचाने में समर्थ नहीं रही या फिर असमर्थ रही। एक सवाल ये आता है मन में, लोगों के मन में, और दूसरा सवाल ये आता है कि जो मैस एक्सोडस है, जो टॉप लीडरशिप का या मिडिल लेवल लीडर्स का जो बीजेपी से पलायन है बंगाल में, उसका क्या असर है और इसके क्या क्या रीजंस हैं? बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बचा नहीं पाया, हाँ सही है, 45 दिन में यदि 53 हमारे कार्यकर्ता को मौत की घाट उतार दिया जाए तो हम बचा नहीं पाए, सही है, मानना पड़ेगा। इसमें आप हमें असक्षम कहें तो हम असक्षम है। हम सड़क पे उतर के क्या हम वार नहीं कर सकते थे? क्या उससे हमारी राजनीति अच्छी होती, लोकतंत्र ठीक होता? आज ये कानून व्यवस्था है ना अपने देश में, कानून व्यवस्था क्यों सोया, पुलिस प्रशासन को क्या हो गया? आज यदि हम यदि असक्षम है अपने आप को अपने घर में बचाने के लिए, तो क्या पुलिस का काम नहीं है आने का सामने? या पुलिस ये आपने बहुत बहुत ही सही प्रश्न किया, आपके प्रश्न में ही झलकता है कि पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन, ये दुर्भाग्य है बंगाल में। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जीत हुआ भाजपा का, वहां कुछ हुआ? एक का भी बाल बांका हुआ नहीं। आज त्रिपुरा में क्या हुआ? कुछ नहीं, केवल बंगाल में ये हुआ। और उसका कारण एक ही है, जहां तक मैं समझ पाता हूं, मेरी जो राजनीतिक सोच बोलती है कि ये जानबूझ के ये किया गया, जैसे कि कार्यकर्ताओं का पीठ टूटे, जो वो मतदाताओं का पीठ टूटे कि आगे कभी भूल कर भी बीजेपी को वोट नहीं देना, मगर इसे कुछ नहीं होगा, लोगों का विश्वास और दृढ़ हो गया है बीजेपी के प्रति, और ये बीजेपी की ही ओर बढ़ेगा। आप जो दूसरा बोले भाजपा से पलायन लीडरशिप में, हाँ सब हुआ है, बहुत लोग छोड़ के गए हैं, मगर उसमें एक व्यक्ति को छोड़ के जो तृणमूल से लोग आए थे वो अपना घर वापसी किए हैं, एक व्यक्ति, वो हमारे पिछले लोकसभा में 2019 में भी जीता था, बाबुल सुप्रियो, और वो मंत्री बना था। जी बिल्कुल, वो मंत्री बना था। जब उसका मंत्री पद चला गया,
उसी दिन पता चल गया था कि बाबुल सुप्रियो हमारे कुछ दिन के मेहमान हैं, क्योंकि ये उससे एक चीज साफ हो गया कि वो उनका उनकी दृष्टि कोई लोगों के प्रति नहीं थी, उनको लोगों के संग काम करने का कोई उनकी मंशा नहीं थी, उनके केवल और केवल उनकी गद्दी। तो वो जब देखे कि भाई हमें केंद्र से मंत्री समूह से हटा दिया गया है तो हम इस पार्टी में क्यों रहे, चले गए। अच्छा, सब कोई बोलते थे कि उनको तृणमूल ने लिया है कि वो उपचुनाव में जिता के, पहले तो ये हुआ कि उनको मेयर बनाया जाएगा शहर का, वो नहीं दिखे, फिर वो हुआ कि उपचुनाव में वो आएंगे, वो जीत जाएंगे, जीत के मंत्री बनेंगे। उपचुनाव में जीते उसमें कोई दो बात नहीं है, अभी तक तो मंत्री नहीं बने, अब कल पता नहीं क्या हो। बाद बाकी जो लोग घर वापसी किए हैं, देखिए इसमें यदि बोले तो हाँ, शायद कई लोगों को हमको अपने जो हमारे दल में आए वो शायद एक ही हिसाब से आए थे कि शायद उनको भी लगने लगा था कि तृणमूल हार रहा है, और फिर उसके बाद वो घर वापसी किए। सबसे एक बात बोलना पड़ेगा आज दर्शकों को, एक हमारे नेता जिनको हम अखिल भारतीय स्तर पे उपाध्यक्ष हमारे पार्टी ने बनाया, बीजेपी के कमल छाप पे वो चुनाव जीते और वो फिर तृणमूल में चले गए, और औपचारिक तौर पे गए, बाकायदा सब उनका फोटो वोटो सब उतरा, तो एंटी डिफेक्शन कानून के तहत उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो असेंबली में हैं, वो स्पीकर को पिटिशन किए कि साहब ये एंटी डिफेक्शन का मामला है, स्पीकर ने सुनवाई की सब करके उन्होंने फैसला सुना दिया कि हमारे नजरों में श्री मुकुल राय अभी भी बीजेपी सदस्य हैं। हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट देखिए इसमें कोई एक आदेश नहीं दे सकता है, वो सलाह दिया स्पीकर महोदय को कि आप इसका पुनः विचार करें। इसका मतलब हाईकोर्ट ये बोल रहा है कि साहब क्या बोल रहे हो आप, उनको दोबारा उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि हमारे नजरों में मुकुल राय भाजपा में है। अच्छा, और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जो सबसे अहम कमेटी होता है उसमें हमेशा प्रतिपक्ष का नेता आता है चेयरमैन, मुकुल राय को बना दिया तृणमूल, जैसे बोले ये तो बीजेपी का है। मुकुल राय बेचारे वो खुद शर्मा के वो खुद उस पद से इस्तीफा दे दिए, मगर स्पीकर महोदय को अभी भी, शायद यदि आपका ये टीवी का क्लिप उनके पास जाए तो पता नहीं हमें हमारी पेशी हो जाए, मगर जो सही है वो मैं बोलता हूं। शायद राजनीति एक ऐसी पथरीली घुमावदार और सरपटदार रास्ता है जिस पर हर एक आदमी शायद उस रास्ते पर फिट नहीं होता, पर मैं इसको एक नज़रिए से इस नज़रिए से भी देखता हूँ क्योंकि यही रास्ता है जो 200-500 बरस बाद पूरे मुल्क का, पूरे राष्ट्र का या समाज की दिशा तय करता है। इसलिए ऐसे लोगों का राजनीति के इस रपटीले पथरीले दुनिया में खूबसूरत है, प्लूरलिज्म का होना, अलग अलग तरह के विचारों का होना और उन विचारों में आपस में सामंजस्य भी होना और उन विचारों का आपस में टकराव होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी विचारों में परिपक्वता आती है। ये हमारे पास ऐसे सवाल, बहुत सारे सवाल हैं। एक चीज़ जिसे हम चूक गए थे और वो ये चीज़ थी कि G7 में इंडिया ने एक डिक्लेरेशन पर साइन किया जिसमें इंडिया ने ये बाकी कंट्रीज़ के साथ ये प्रॉमिस किया कि अब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन जो इन्फॉर्मेशन है उसमें प्लूरलिस्टिक भावनाओं को मौका मिले, इस चीज़ को हम प्रोटेक्ट करने का पूरी दुनिया में कोशिश करेंगे। तो शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि जितनी सारी बहुलतावादी बातें हमने की, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे अलग अलग स्टेट्स हो या दुनिया के अलग अलग हिस्से हो, मुझे लगता है कि वो सब प्लूरलिज्म का एक उदाहरण है। और लोकतंत्र की यही खूबी है कि हम जिन विचारों को पसंद नहीं करते फिर भी हम उन व्यक्तियों को पसंद करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने हैं। मैं शिशिर जी लास्ट में एक मिनट में चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है। हमारे मित्र, आप भारतीय हैं, आप प्रवासी हो या आवासी हो, आप भारतीय हैं,
आपका हृदय हमें हमेशा देखा हूं, जब भी मिलने का मौका मिला है। आपका पासपोर्ट जिस रंग का हो वो एक महज कागज है, क्योंकि दिल दिल होता है। तो ये जो अभी ये जो बनाया गया OCI, सही मायने में आप यू आर दी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर इंडिया। एंड ये बात पहले हमेशा सुनते थे कि ओ वी आर प्राउड ऑफ आर ओवरसीज नॉन रेजिडेंट इंडियंस। सर इट्स नॉट जस्ट दिस। एक चीज मैं देखा हूं, मेरे को इसमें सीख मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह अपने हर दौरे में, चाहे जितना भी समय उनको मिले, चाहे जितना भी बड़ा समूह हो या छोटा समूह हो, वो प्रवासी भारतीयों से जरूर मिलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनमें ये वो भारतीय हैं जो कई कारणों वश अपने वतन नहीं है, बाहर है, मगर शरीर में बाहर है, मगर मन से वो भारतीय हैं। आप हमेशा आप अपना ऐसा ही सपोर्ट बनाए रहिए, और ये हमारे सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि हम हमेशा उसी में रहेंगे, वसुदेव कुटुंबकम। थैंक यू शिशिर जी। आशा है कि इसी तरह की चर्चाएं, इसी तरह की बातें और हमेशा आगे होंगी, और आपका भी जो अनुभव है वो कई लोगों को बहुत परिमार्जित और संवर्धित करेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जो दर्शकों ने आज हमें प्यार दिया देखने का, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे इसी चैनल 711 स्काई पर, MA TV पर। तब तक जाइएगा नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।